बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में केस की तैयारी का हुक्म। तफसीलात जान लेते हैं निसार आबद से। निसार आबद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत की कार्रवाई जनरल को केस की तैयारी के लिए आधे घंटे में करने की तंबीह की कर दी है। इस केस में अटॉर्नी जनरल को नोटिसेस भी जारी कर दिए गए हैं, वो खुद दलाइल देना चाहते हैं। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि अदालत कुछ मोहलत दे दे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर तो आप खुद लिख रहे हैं कि आमिर रहमान ना अहल है, दलाइल नहीं कर सकते, तो ठीक है, हम तो आमिर रहमान को ना अहल कहने की गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये रिमार्क्स देने थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा, मैं तो समझता हूं कि आमिर रहमान एक काबिल वकील हैं और केस में खुद दलाइल दे सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इतने सारे वकला मौजूद हैं, केस को 11:30 बजे वक्फे के बाद सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने बिजली के बिलों में की कीमतों में केसेस का ढेर है। चीफ जस्टिस की एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में केस की तैयारी करने का हुक्म दे दिया गया है। जी